एक और खबर आपके साथ शेयर करेंगे। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट आखिर रेफरेंस का मामला, बाबर अवान की बदली की दरखास्त पर फैसला फिर मौखर कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे फैयाज महमूद ने हमें ज्वाइन किया है। फैयाज कहिएगा, फैसला आज फिर मौखर कर दिया गया, आज भी फैसला सामने नहीं आ सका, क्या वजह है? जी देखें, आज अदालत ने फैसला सुनाना था, तहम जज की रुख्सत के बायस आज भी फैसला नहीं सुनाया जा सका, जिसके बाद अदालती अमले की तरफ से नई तारीख का ऐलान किया गया है। अब अदालत 22 मई को डॉक्टर बाबर आवान की बरीयत की दरखास्त पर फैसला सुनाएगी। उसके अलावा दीगर जो मुलजमान ने बरीयत की दरखास्त दायर कर रखी थी उन पर समाअत भी 22 मई तक के लिए मुलतवी कर दी गई है और उस पर नैब के से आर्गूमेंट तलब कर लिए गए हैं। आज दूसरी बार ये फैसला मौखर किया गया है। इससे कबल भी गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने आज के लिए मौखर किया था और हुक्मनामा जारी किया था कि 6 मई को अदालत फैसला सुना देगी। तहम आज जज की रुख्सत के बायस, क्योंकि उनकी तबीयत नासाज है जिसके बायस आज वो रुख्सत पर है, तो आज अदालत ने फैसला नहीं सुनाया। अब 22 मई को बाबर अवान की किस्मत का फैसला होगा कि वो इस केस में मुलजिम ही रहेंगे या फिर बाइज्जत बरी हो जाएंगे। तो इसके लिए बाबर अवान को और 22 मई तक का इंतजार करना होगा। जी सही, ठीक। फैयाज, अपडेट्स के लिए आपका शुक्रिया।